अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे YouTube व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक दफा फिर आपके साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगा जिसका नाम है तुर्किश लेंटिल सूप यानी कि तुर्किश दाल के सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नीचे आपको छोटी सी घंटी मिलेगी उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग ऑयल के साथ। तकरीबन 2 चमचे आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना सबसे पहले। ऑयल गर्म हो चुका है, फिर 50 ग्राम दाल तकरीबन। दाल मसूर मैं यूज कर रहा हूं। अच्छा, दाल डालने के बाद आपने प्याज एक कटा हुआ प्याज डाल लेना है, इसी तरह आलू कटा हुआ एक डाल लेना है और ये 2 गाजरें काटी थी मैंने, ये सारा एक ही दफा सब कुछ इसमें डाल देना आपने। ये भी ग्रीन प्याज है। एक ही दफा डाल के तो फिर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है, ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं। चलिए 2-4 मिनट आपने कुक करने के बाद इसमें ये मेरे पास 1.5 लीटर पानी है, पानी ऐड कर देना है। और 1 चम्मच नमक। ये सारा कुछ एक ही दफा डाल के कुकर में बंद कर देना। शाम के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना आपने, ठीक है। फिर 15 से 20 मिनट के बाद ये सब चीजें अच्छी तरह गल चुकी हैं जो कुछ इसमें डाला था। अब ये मेरे पास ब्लेंडर है, इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सब चीजें मिक्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसका तड़का तैयार करूंगा मैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका तड़का कैसे तैयार होगा। सबसे पहले 2 चमचे ऑयल डालूंगा। ऑयल डालने के बाद आप फिर इसमें टमाटो सॉस डाल लें थोड़ी सी, 1 चम्मच 2 चमचे ये काफ़ी है। फिर 1 चमचा जीरा, आधा चमचा काली मिर्चें, और आधा चमचा पुदीना। बस ये 1 मिनट आपने पकाना है और ये इस तरह रेडी हो गया। ये तड़का आपने इस दाल में डाल लेना, इस तरह डाल के तो अच्छी तरह दोबारा मिक्स कर लेना है। सूप को गाढ़ा होने तक 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा पकाऊंगा। माशाल्लाह गरम गरम सूप रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको चेक करके बताता हूं कि इसका टेस्ट कैसा है।
थोड़ा सा लेमन इस पे डाल लेंगे। बहुत ही जबरदस्त सूप तैयार है, तो आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।